ये सिरसी क्रिकेट टूर्नामेंट में संभल और सिरसी के बीच बहुत बड़ा मुकाबला शुरू होता हुआ। सिरसी की ओर से ओपनिंग आए टीपू और संभल की ओर से पहला बॉल आए फैजी और छोटा बॉल पीछे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। टीपू के बल्ले से निकलता हुआ ये पहली बॉल पर चार रन और इसी के साथ सिरसी का स्कोर बढ़कर पहुंचा चार रन। एक बार फिर से टीपू का अच्छा शॉट एक और छह। दूसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया है टीपू ने अपनी पारी में। पहली बॉल पर चौका और दूसरी पे छक्का बेहतरीन बल्लेबाज ने टीपू। एक बार फिर चले फैजी टीपू के लिए और फिर से छोटा बॉल और पीछे फील्डर मौजूद। इसी एक रन के साथ 11 रन। एक ओवर की समाप्ति पर सिरसी का स्कोर 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। इनिंग का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं शाकिब। सामने होंगे तौसीफ। फुल टॉस बॉल पीछे फील्डर मौजूद अप्पू और कैच ड्रॉप। मैं आपको बता दूं ये सेमीफाइनल मुकाबला है आहिल क्लब संभल और सिरसी के बीच। एक बार फिर से और कट कर दिया है थर्ड मैन की ओर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौका टीपू के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा चौका। बेहतरीन बल्लेबाज हैं टीपू और दिखाते हुए वो किस तरह के बल्लेबाज हैं। क्लासिक प्लेयर हैं ये संभल के टीपू। एक बार फिर चले शाकिब टीपू के लिए और फुल टॉस बॉल एम्पायर का इशारा नो बॉल। काफी खराब लाइन और लेंथ शाकिब के द्वारा और ये फ्री हिट होगी। देखते हैं कितना फायदा उठाते हैं इस फ्री हिट का टीपू। कोशिश
कोटे का पहला है, टीम की जानी से तीसरा जलेगा, उनके सामने होंगे तीस शुरू किया यहाँ पर तमीम ने तस्वीर दी, लेकिन अवसर के बाद उसे कई शायद समझने के चलने के बाद हल्के हाथ से किक किया और कोई रन नहीं छह तक पॉइंट पर गले बिंदर के हाथों से काफी ज्यादा मुकाबला देखने में लगा आपको यहाँ पर आज अपने ओवर में मतलब दौड़ना शुरू किया खेल दिया छह रन के लिए इन्हीं चौतीस रन अपने ओवर में अगले ताकत से खिला दिया जिन तीस लाइन पर खाता हूँ और उन्हें पीड़ित भी हो गया एक रन इसी बीच पैंतीस रन बड़े वाटर साहब चार ओवर के बाद सिरसी का स्कोर है 35 रन, माफ कीजिए 3 ओवर के बाद सिरसी का स्कोर है 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत अंदाज से खेला है लोगों ने बाउंड्री पर कैसे छह रन के लिए इकतालीस बाकी की पहले ही बॉल पर छक्का लगा दिया यहाँ पर तौसीफ ने काफी पावर से हिट करते हैं तौसीफ बोले शाबाश जब बॉल और बैट का कनेक्शन होता है इस तरीके से गेंदबाजी के बिल्कुल भी नहीं बचते हैं यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज गलत कर रहे हैं जिनका अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा और गलत है बल्लेबाज कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज एक और खराब बॉल और व्हाइट का पंजा मिल चुका है लाइन और लेन से भड़क चुके हैं बिल्कुल शाकिब 5 और एक्स्ट्रा रन मिलते हुए स्कोर बढ़कर पहुंचा 52 रनिंग का ये चौथा ओवर जिसे अंजाम दे रहे हैं शाकिब रनों की बरसात हो रही है सिरसी के इस ग्राउंड पर एक और चौका काफी बड़ा महंगा ओवर साबित हो रहा है ये वाला अब तक 2 छक्के और 1 वाइड का पंजा और 1 चौका बहुत रन आ चुके हैं इस ओवर में बिना
विकेट की ओर से खेलने लगा यहाँ पर। इसी रन के बाद उसको 58 ओवर का खेल चल पड़ रहा। एक और नौ बॉल कितना आ गया इस ओवर में? 30-35 तो आ गए दिखे हैं, तो 60 के करीब होने वाले हैं। लगातार 3 नो बॉल है और लगता है बॉलर को हटना चाहिए, अब एम्पायर को हटा देना चाहिए और हट चुके हैं एम्पायर, हटा दिया है एम्पायर ने इन्हें। लगातार 3 नो बॉल है हाइट की। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए हैं टीपू, जैसा नाम वैसी काम करके दिखा रहे हैं टीपू। बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं ये, संभल के क्लासिक प्लेयर हैं। पर
दोनों बल्लेबाज उनका खेल कोशिश बीच किया पांच ओवर की समाप्ति पर तिरसी का स्कोर है 80 रन। इनिंग का छठा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए आदिल। सामने होंगे तौसीफ, दोनों ही बल्लेबाज धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं टीपू और तौसीफ। अभी एक भी विकेट नहीं गिरा है आहिल क्लब के बॉलर से और ये 9 बॉल और 6 रन। स्कोर बढ़कर पहुंचा 87 रन। और ये फ्री हिट है पर विकेट नहीं होगा, फ्री हिट बॉल है, विकेट नहीं गिरेगा इस पे। पहला मौका मिला था वो भी फ्री हिट पर। बेहतरीन शॉट, बहुत लंबा है इस मैच का, ये सबसे लंबा छक्का है इस मैच का ये अब तक का। तौसीफ के बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं टीपू और तौसीफ। स्कोर अभी भी 93 रन, इनिंग का ये छठा ओवर चल रहा है। पांच छह ओवर के बाद सिरसी का स्कोर है 94-95 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और पहला झटका लगता हुआ है यहाँ 95 रन के स्कोर पर सिरसी को। बहुत खूबसूरत अंदाज से
देखा था कि शॉट पॉइंट का फिल्टर अंदर है, फिर सर्कल के बाहर बता दिया इसे आराम से, फिर बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। इसी के बाद सौ रन पूरे होते हुए फ्रेंड कलर के सात ओवर में एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बोले जाते हैं अस्सी अपने ओवर में। अगली मतलब एक और छक्का डीपू के बल्ले से, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए डीपू थोड़ा आगे कराया है, उनका लेफ्ट कर दिया, मिड स्कॉलर बॉन्ड के ऊपर से छह रन के लिए, छह रन का स्कोर 106। इनिंग का लास्ट ओवर लेकर आए सरताज, रन हो चुके हैं 106 रन सात ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छा शॉट, एक और छह, क्लासिक शॉट खेलते हैं टीपू, बहुत अच्छे अच्छे शॉट लगाते हैं अपनी पारी में टीपू, जैसे कि आज आपको देखने को मिल रहा है। एक और अच्छा शॉट, एक और छह, लगातार दूसरा छक्का इस ओवर का टीपू के बल्ले से, लगभग 50 रन हो गए होंगे पूरे टीपू के, स्कोर 119 रन हो चुका है सिरसी का। एक बार फिर से सरताज टीपू के लिए, और फिर से अच्छा शॉट, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों की, दो रन ले लिए। एक बार फिर सरताज टीपू के लिए, और कट कर दिया है पीछे, स्कोर हो चुका है 123 रन। एक सौ 125 रनों का टारगेट रखा है सिरसी ने संभल के लिए। सेकंड इनिंग की शुरुआत होती हुई संभल की ओर से ओपनिंग बल्लेबाज आए हैं आदिल, और नॉन स्ट्राइक पर हैं जैद, और सिरसी की ओर से पहला ओवर लेकर आए हैं, पहला ओवर लेकर आए हैं फहीम। संभल को ये मैच जीतना है तो 125 रनों का टारगेट अचीव करना होगा, बहुत मुश्किल है 8 ओवर में, शुरू से ही तावत और बल्लेबाजी करनी होगी जैसे सिरसी ने की थी। इसी के साथ इसको छह ओवर का गेम चलता है जिसे अंजाम दे रहा है।
बॉल ने छूट लिया आदिल के लिए। होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हैं मॉर्गन, बेहतरीन बल्लेबाज हैं ये संभल के मॉर्गन। बहुत शानदार कैच है इस मैच का, बहुत ही शानदार। जितनी तारीफ करें हम इस कैच की कमी कम है। तीसरा झटका लग गया आयल क्लब को।
इनिंग का तीसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं शेख को। और पहली बॉल पर विकेट शेखू के स्पेल की, बेहतरीन गेंदबाज है संभल के शेखू। और ये चौथा झटका लगा संभल को शाकिब के रूप में। स्कोर कितना है? टाइम चले लगातार चार विकेट गवा चुके हैं मात्र तीन रन के अंदर ही अंदर। अच्छी गेंद महल एक्शन के बाहर और वाइट स्कोर 30 रन का किस तरह से अंजाम दे रहे थे वो दौड़ना शुरू किया। उनका सामना करेंगे सैदी सुनो और जिसको समय नहीं पाया और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में। काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक टैंक क्लब के तमाम ही बॉलरों की। तीन ओवर की समाप्ति पर संभल का स्कोर है 22 रन, चार विकेट के नुकसान पे इनिंग का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लाए आते। कैच ड्रॉप के लिए काफी देर बाद छक्का देखने को मिला यहाँ पर
चार ओवर के बाद संभल का स्कोर है 43 रन। इनिंग का पांचवा ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लाए शेखू, बेहतरीन ओवर रहा था पिछला शेखू का। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 49 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी करता हूं यहां दिन। बॉल पर संभल को जीत के लिए चाहिए 68 रन, बहुत बड़ा स्कोर है 18-68। देखते हैं कि अचीव कर सकते हैं आदिल, अब तक अच्छी बल्लेबाजी रही आदिल की।
और चौकीदार एम्पायर का इशारा वाइट स्कोर 58 और खेल चलता है जिसे अंजाम दे रहे हैं फैजान। आज भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदे डटे हुए हैं, कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाया है। मैदान बहुत अच्छी दिया, काफी अच्छी है एम्पायर बबू। आदिल की 50 हो चुकी है, अकेले दम पर मैच को लेकर चल रहे हैं आदिल। बामन चाहिए बोलो, मैं 52 रन की दरकार है अभी भी। नौ पे नौ है। शाबाश शाबाश।
लगभग ये मैच जीत ही लिया है सिरसी ने। आठ बॉलों पर जीत के लिए चाहिए 51 है। संबल को जीत के लिए चाहिए 6 बॉल है 47 रन। पहली बॉल 4 रन। कैच पकड़ दे 50 से मिट जल्दी इजी था उन्होंने हार्ड कर दिया बूट को। अपना रन बनाता मोस्ट ऑफ द रन पर जीत चुका है मैं संबल, माफ कीजिए सिरसी।